प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ कर्म को निष्काम और सकाम कहा गया है, मुक्ति भी कामना है, दर्शन की इच्छा भी कामना है, क्या इसे निष्काम कर्म कहा जा सकता है? माँ, भगवान के लिए जो किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। विषय कर्म ही काम है और भगवत कर्म है प्रेम। प्रश्न करता, मां मन को कैसे स्थिर रखूं, कैसे उन्हें पा सकूंगा? मां, एक कमरे को खूब साफ सुथरा बना डालो, उसमें धूप बत्ती जलाओ ताकि पवित्र भाव उत्पन्न हो, इस तरह सजाओ ताकि कमरे में प्रवेश करने पर उनकी बातें याद आ जाएं। इस तरह वहां अधिक देर तक बैठने का प्रयास करो, इसका फल अवश्य मिलेगा। प्रश्न करता, मां मुझे मार्ग नहीं मिलता, पता नहीं किस मार्ग चलना चाहिए। मां, एक मार्ग पर चलना आरंभ कर दो, आगे बढ़ने पर देखोगे कि उस मार्ग पर और भी यात्री आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य को ठीक रखते हुए किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ने पर यात्रियों से मुलाकात हो जाती है और वे सही मार्ग बता देते हैं। पहले चलना तो शुरू करो, बैठे मत रहो। प्रश्न करता, मां साकार उपासना अच्छी है या निराकार? मां, बिना साकार किए निराकार की ओर नहीं जा सकते, साकार के भीतर से ही निराकार की ओर जाया जा सकता है। जैसे गंगा की ओर जाना है, हम लोग मार्ग से अर्थात साकार के बीच से चलते हैं, चलते चलते नदी का किनारा आता है, नदी के किनारे से नदी में जाते हैं, उस वक्त साकार नहीं रहता, फिर जब वहां से निकल आते हैं तब देखा साकार और निराकार सब कुछ वही है। मां उपदेश दे रही हैं, ध्यान, जप, कीर्तन, पाठ और सत्संग, इन पांचों में किसी एक को लेकर रहो। पांच प्रकार की तरकारी से भोजन करना और क्या? एकमात्र भगवत प्रेम ही प्रेम है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति से प्रेम का प्रकाश होता है और फिर प्रेम स्वयं प्रकाश है। मैं सदा नाम करने को कहती हूं, नाम करते करते व्याकुलता आएगी। यह जो व्याकुलता आती है एवं कुछ लाभ करने की आशा में एक गुरु या अन्य के शरणापन्न होते हैं, यह भी उन्हीं सद्गुरु की इच्छा से होता है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब गुरु, कृपा इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, सब एकाकार, गुरु शून्य स्थिति भी तो है। तब कौन किसका गुरु, कौन किस पर कृपा करे? सभी लोग एक ना एक समय परम पद प्राप्त करेंगे। कारण यह है कि यही जीव का संस्कार है, स्वभाव में स्थित होना ही जीव का संस्कार है। प्रश्न करता, मां कहते हैं अनेक सुकर्मों के फल से सद्गुरु की प्राप्ति होती है, तब ऐसा क्यों होता है कि सद्गुरु लाभ करने पर भी अपने भीतर कोई विशेष उन्नति दिखाई नहीं देती? मां, केवल सुकर्म से ही सद्गुरु का लाभ हो ऐसा नहीं है, उनकी अहेतु की कृपा की भी आवश्यकता होती है। कोई सद्गुरु लाभ होते ही शीघ्रातिशीघ्र फल पाते हैं और किसी को विलंब होता है। गुरु की इच्छा से सब हो सकता है, वे निमेश में ही सब भस्म कर सकते हैं, पुनः उन्हीं की इच्छा से ही विलंब भी होता है। प्रश्न करता, मां कर्म समाप्ति के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर धारण के सिवाय क्या कर्म समाप्त नहीं होते? मां, बहुत कर्म ऐसे हैं जो सूक्ष्म देह में हो जाते हैं और बहुत कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए स्थूल देह का प्रयोजन है, तब स्थूल देह ही लेना पड़ता है। प्रश्न करता, मां संदेह किससे जाता है? मां, उनको लाभ करने से ही संदेह जाता है।
चैतन्य शक्ति या गुरु प्रकाश होने से पूर्व संदेह नहीं जाएगा। गुरु ने जिसको जो दिया है उसी को लेकर काम प्रारंभ करो। पहले भी कहा है कि गुरु, मंत्र, इष्ट यह सभी एक हैं। गुरु या इष्ट का ध्यान करना या मंत्र जप करना एक ही बात है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए गुरु के पास से जो मंत्र मिला है उसको लेकर जप प्रारंभ करना, श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य रख मंत्र जपते जाना चाहिए। परंतु श्वास प्रश्वास में जप गुरु के उपदेश के बिना नहीं करना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मां ध्यान कैसे किया जाता है? मां, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने आप होता है। यह जो कहा जाता है कि सर्वदा नाम जप इत्यादि करने का अभ्यास करो, उसका अर्थ है कि सब समय मन को इधर डालकर रखना, उनको पाने की व्याकुलता बढ़ाना। व्याकुलता आने पर उनकी कृपा से अपने आप हो जाता है। हवा चलने पर जैसे नदी और तालाब का जल स्थिर नहीं रहता, उसी तरह चिंता रहने से मन कभी स्थिर नहीं रहता। अतएव दृढ़ता के साथ चिंता शून्यता व शांत भाव का अभ्यास करो। कभी कभी मौन व्रत का अवलंबन करो, इससे मन की शक्ति खूब बढ़ेगी। जैसे ही देखोगे कि विषय चिंता पुनः पुनः आकर तुम्हें चंचल कर रही है, उसी समय जिस किसी भी तरह उसे दूर करने की चेष्टा करना। यंत्र कौशल के द्वारा जैसे बड़े बड़े तालाब और झील जल शून्य किए जाते हैं, वैसे ही एकनिष्ठ अभ्यास के द्वारा कामना वासना के संदूक को भी खाली किया जा सकता है। प्रश्न, मां मन कैसे स्थिर हो? मां, तुम लोग एक काम करो, नाम जप करते समय श्वास की ओर ध्यान रखना। जब मन इधर उधर भागे तो फिर खींचकर उसे श्वास की गति के साथ बांध देना। देखोगी कि धीरे धीरे काम बन जाएगा और मन स्थिर हो जाएगा। किसी एक विषय में दृढ़ निष्ठा होने से ही काम होता है। एक को पकड़ लेने से धीरे धीरे सब हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।